हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हाउस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज यहां पर हम लोग सिर्फ आपको एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं। हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज हाउस। मैं हूं प्रणव प्रकाश और करेंगे 6 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि अनुभवी भारतीय लेखक का क्या नाम था जिन्होंने प्रसिद्ध आत्मकथा लिखी थी और हाल ही में निधन हो गया, दिल्ली में निधन हो गया, 95 वर्ष के थे और ये यूके के उच्चायुक्त भी रह चुके थे, यूनाइटेड किंगडम के एम्बेसडर भी रह चुके थे। तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है कुलदीप नैयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अमेरिकी संस्था पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो के अनुसार भारत किस वर्ष दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? तो ये कहा गया है पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो के द्वारा कि 2050 में इंडिया जो है वो चीन को भी पीछे छोड़ देगा और सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2018 का पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ खेला जाएगा? तो ये पहली बार इस राज्य में खेला जाएगा और ये राज्य है उड़ीसा। ये 14वां संस्करण है हॉकी का, ये 14वां है और 13वां जो जीता गया था 13वां नीदरलैंड में हुआ था। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और नीदरलैंड में ही द हैग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये ध्यान रखिएगा। और ये 13वां जीता गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा और ये 14वां अभी आयोजन किया जाएगा उड़ीसा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फोर्ब्स के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेता कौन बने? तो अभिनेता की बात कर रहे हैं तो ये कौन बने? ये बने पहले नंबर पे हैं जॉर्ज क्लूनी। जॉर्ज क्लूनी की कितनी, मतलब कुल जो कमाई हुई एक साल में वो कितनी हुई? तो $239 मिलियन, ये ध्यान रखिएगा। फिर दूसरे नंबर पे कौन आए? दूसरे नंबर पे ड्वेन जॉनसन आए। तो बस ऊपर के दो याद रखिए। और अगर इंडिया में पूछा जाए कि टॉप 10 में कौन आया, पूरे विश्व में टॉप 10 में इंडियंस कितने आए, तो दो आए। पहले 7 नंबर पे अक्षय कुमार और 9वें नंबर पे सलमान खान। तो अक्षय कुमार की कुल कमाई कितनी हुई? $40.5 मिलियन, आप समझ सकते हैं। और फिर सलमान खान की कितनी कमाई हुई? तो $38.5 मिलियन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को 2018 का UEFA मीन्स यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन प्रेसिडेंट पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये इंग्लैंड के कैप्टन भी रह चुके हैं और मैनचेस्टर और रियल मैड्रिड के लिए खेल भी चुके हैं। तो इनका क्या नाम है? डेविड बेकहम। वैसे ये अब इन्होंने संन्यास ले लिया है और ये तीसरे इंग्लैंड के खिलाड़ी बने जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन प्रेसिडेंट पुरस्कार दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और बेकहम पे एक फिल्म भी बनी हुई थी, बेंड इट लाइक बेकहम, तो ये मिला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? सबसे पहले तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म जान लीजिए, कभी कहीं से पूछ लीजिए कि एम का मतलब क्या होगा या फिर ई का मतलब क्या होगा। तो बिम्स्टेक का होगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। और इसका जो गठन किया गया था बिम्स्टेक का, वो किया गया था 1997 में। और अभी बिम्स्टेक का जो अध्यक्ष कंट्री है वो कौन सा है? तो नेपाल है। तो ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में ही इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, 2 दिवसीय, जिसमें नरेंद्र मोदी भी जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। और बिम्स्टेक में भूटान है, नेपाल है, फिर इंडिया है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, म्यांमार है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है दिल्ली में। ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है दिल्ली में। और इसका थीम क्या है? थीम भी पूछा सकता है, तो बुद्ध पाथ द लिविंग हेरिटेज। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन जो हो रहा है उसमें 29 कंट्री भाग लेंगे इस बौद्ध सम्मेलन में। और ये इसमें हमारा पार्टनर कंट्री कौन होगा? तो सबसे इम्पोर्टेंट है पार्टनर कंट्री है जापान, जापान की राजधानी है टोक्यो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिन्होंने 8 लाख करोड़ मीन्स 8 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण को पार कर दिया, यहाँ पे पार होना चाहिए, पार कर दिया? तो ये कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज और इसके चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल नॉलेज हाउस को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।